सिंगोड़ी क्षेत्र के किसानों ने भारी बारिश के चलते क्षेत्र में खराब हुई मक्का की फसलें को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने छिंदवाड़ा कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी व्यथा को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की रणनीति बनाई। किसान प्रसादी पटेल ने बताया कि दर्जनों ग्राम के किसान बारिश से बर्बाद फसल से दुखी हैं। बारिश के चलते किसानों की मेहनत का सत्यानाश हो गया। क्षेत्र के किसानों के चेहरे में मायूसी छाई हुई है। उन्हें अपने परिवार का पालन पोषण की चिंता हो गई है। अब देखना यह होगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की गृह जिले के ग्राम सिंगोड़ी के किसानों को कितनी राहत प्रदान करते हैं। क्षेत्र में भारी बारिश के चलते किसानों की बहुत सी फसल नुकसान हुई, जिसमें मक्का की फसल जो है एकदम पीला हो गया है। क्या कारण है? आप किसान संघ के नेता हो, क्या करेंगे आप? आज 12 बजे से बैठक रही है सारे किसानों की सिंगोड़ी में, वो 3 बजे तक चली। किसानों ने सब बताया कि फल्ली, मक्का, अपने सोयाबीन पूरा खराब हो गया, खाली पत्ते भर बचे वो भी गल गए। तो आज ये बैठक हुई है कि अपने को शुक्र वार दे जाके कलेक्टर महोदय को जानकारी देना है और जल्दी से जल्दी शासन से सर्वे कराने की किसानों ने अपनी मांग रखी। लगभग क्षेत्र के कितने किसान इससे प्रभावित होंगे फसल नुकसान से? हजारों की संख्या में किसान प्रभावित हुए हैं, हजारों की संख्या में। तो आज ये स्थिति हो गई है कि जानवरों के लिए चारा भी नहीं बचा, पूरा बारिश से खराब हो चुका। शासन स्तर से क्या मांग की जाएगी किसानों की? शासन से वही मदद दे, शासन मुआवजा दे, ताकि किसान अपनी गेहूँ की फसल में लागत के लिए काम आ जाए उन्हें। आपका नाम? प्रसादी पटेल सिंह।